ओ सराफत भाई जी, तुम्हें मुंबई घुमाते हैं आज मुंबई रात के यहाँ मुंबई में ना से होता है सुना था, लेकिन अभी मुझे आए हुए 2 घंटे नहीं हुए, लेकिन हकीकत में ये बात सच है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुंबई रात को चलती है। जिस टाइम पे भाई का फोन आया कि चलो घूमने चलते हैं, उस टाइम पे हम लोग सो रहे थे। यानी कि मेरी जो फार्म की से घर घर की रूटीन जो होती है 11-10-11 बजे मैं सो जाता हूँ, सेम वही थी। लेकिन उनका फोन आया कि चलो भाई चलते हैं, तो अभी देखते हैं मुंबई को रात को कैसी लगती है और आप लोगों को भी दिखाते हैं, बड़ा मजा आएगा। और ये रहा हमारा आउटफिट। ओ आजकल आउटफिट क्या बात है, ये मतलब हो गया था हमारे काम ही क्या है, खाना पीना काम करना सो जाना। तीसरी तो कोई चीज आज तक देखी नहीं हमने। अब उठाओ उठाओ। और यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, नाम तो लो परवेज भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए मेरे से भाई मिल गए यूसुफ भाई, और ये कह रहे हैं कि मेरा वेट घटाओ, तो मैंने डाइट बताऊंगा। डाइट ये क्या चल रहा है पहले ये तो बताओ। ये तो 10 दिन की बात है, ये कोई बात नहीं है। तुमने अभी मुझे क्या करो, ये डाइट खाने के इनको वेट भाई, ये देखो डाइट ये वो एल है वो एल है। हाँ बताओ, फैट बता दो इसमें कहाँ। नहीं नहीं तो भाई को ये खिलाना है, बकरा ये खिलाना है भाई को। कोई बात नहीं, 10 दिन खाए दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं 10 दिन खा लेंगे। परवेज देख रहा, ध्यान रखियो, कोई दिक्कत नहीं 10 दिन खाने में। डाइट तो बताओ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। डाइट तो बताओ, डाइट तो बताओ। सुबह शाम खानी आपकी, खाते खाते बताते रहो सिर्फ 10 दिन। मतलब जब तक हमें यहाँ चम्मच देना जो यूसुफ भाई घबरा माँ मेरे हफ्ते में, अगर कोई कुछ कह दे मुंबई में तो बात है। परवेज देख रहा था, देखा परवेज भाई की हिस्सा परवेज भाई आपके लिए हो कदम से बहुत याद आ रही है आपकी। और यूसुफ भाई को डाइट प्लान, यूसुफ भाई को सुबह मीठा दूध पीना है 2 गिलास। बोलो देखो बहुत मजा आ रहा। और दिन चलो अब बताओ कैसा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है भाई जान। रोहन भाई तुम्हें नींद नहीं आ रही, अपने तो भी टाइम हो गया। आज से मेरी भी रूटीन चेंज कर रहे हैं। सुरावत भाई अब हम भी अभी क्या करेंगे, ठीक है, दिन में हम फार्म बंद रखा करेंगे, रात को खोला करेंगे अब से, ठीक है। हम दिन में रात को, सुरावत भाई अभी घर जाने के बाद ना हम अपने ब्लॉग में अपने फार्म की रूटीन बता देंगे, सारा चेंज टोटल एक हफ्ते में हमारी पूरी रूटीन चेंज हो जाएगी। लेकिन यार देखो यार मैं इतने तो बताऊँ ना, मैंने यहाँ का दिन नहीं देखा, दिन देख लिया अगर हमें दिन में मजा आना यहाँ से, तो हम रूटीन अपने दिन की रखेंगे। चलो देख लो दिन में ट्रैफिक ये भाई रुड़की से ना सिर्फ एक ही काम के लिए आया, जब से आया है इसको किस काम आती है मछली पकड़ने काम आती है। अच्छा मछली पकड़ने काम आती है, मछली की छड़े फिश रोड बोलते हैं उन्हें, फिश रोड सावास। ये किसका घर है भाई, रखा है
यार वैसे इन लोगों के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ना। टाइगर श्रॉफ को क्या कर रखा? यार जो खड़ता ना पीछे जो गया है टाइगर श्रॉफ का, टाइगर श्रॉफ का उसमें तो गेट भी नहीं उछल के जाता हूँ अंदर। तो रात के टाइम मुंबई टाइम क्या हुआ? दिन में क्या हाल होता होगा भाई यहाँ? जब यहाँ दिन में हवाई मत तो ज्यादा है, 2:30 बजे रात को ये हाल है तो दिन में क्या होता होगा यहाँ पर? रात के 3 बजे की रौनक, जूस वाले की दुकान पे भीड़। हमारे यहाँ सजाद भाई तुम लोग देख रहे होंगे ना, देख लो मौसमी का जूस है वो। साबट भाई मैंने कहा सजाद भाई की दुकान पे हमारे यहाँ शाम को 5 बजे के बाद बच्चे भी नहीं आते, शाम को 5 बजे के बाद, और उनके तब न करे हमारे फार्म तक जूस पहुँचाने के। अरे देखो रात को 3-3 बजे तक काम कर रहे लोग हमारे बंदों को ना। वैसे सुरावत भाई यहाँ से सीखने की बहुत जरूरत है। तो सिर्फ भाई जो तुम रेडी लगाओ ना, अब तुम 6 बजे बंद कर दो, देख लो रात के 3:30 बजे रेडी लगा रखी, ठीक है? कुछ भी बेच रहे हो चाहे, लेकिन तुम 6 बजे बंद करके ऐसे आसान बताओ तो तुमने दुनिया भर के किले फतेह कर लियो, देख लो। लेकिन यार फिर भी देख हिम्मत है ना, कोई बंदा बेचारा रेडी लेकर 3 बजे निकल रखा रात के। काम ठीक है, काम एक चीज होती है, एक चीज होती है जो मजबूरी है करना है। अभी रात में निकलेंगे तो रात दिन को प्रोफेशनल लोग तो मिलेंगे नहीं, इनको दारू पीने वाले भी मिलेंगे, अच्छा लोग भी मिलेंगे, ज्यादा करके तो बुरे लोग मिलेंगे। रोज रोज इनको सरकारें भी परेशान भी करते हैं, पैसे भी छीनते हैं, कमाते भी। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं ना, उनके घर पे जिम्मेदारी चलती है, अभी यहाँ से जो कमा के जो तुमको पास देखेंगे तो इनके घर पे उसका राशन आता होगा। लोगों को उनके काम की कदर नहीं है, बिल्कुल सीरियस बात है। कोई भी बंदा हो अगर हम जैसे एक वेल्डर को बुला के लिए है ना कि भाई ये फिटर बनने है, वो इतना बड़ा नवाब है कि जब तक उसको 10 बार नहीं कहने के ना हम जाके वो फिटर नहीं बना के देने वाला। और क्यों? इसकी वजह क्या है? वहाँ पे एक वेल्डर है, दो वेल्डर है, बॉम्बे में एक 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 अगर आप अगर नाटक करेंगे उनको पता है कि आपकी जगह पे 10 लोग खड़े हैं आपसे कम पैसे में काम करने के लिए। ये चीज है ना बहुत अच्छे से, मतलब ये ना बहुत अच्छा सबक भी है ना कि लोगों को अपने काम की कदर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आदमी ही नहीं है काम वाले। ऐसा नहीं है भाई ध्यान से, हमारे यहाँ बहुत सारे काम वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना ब्लड ऐसा है वहाँ का कि काम में आदत नहीं होता। आज अगर हल्का सा पानी गिर गया ना जैसे ये सुबह को तो छुट्टी है, काम कर जाएगी। हाँ बस अपने वहाँ पे किसी भी चीज की टेंशन नहीं है ना लोगों को, ना किसी को रेंट देना। हाँ ये चीज है सबसे बड़ी बात, क्या अपने अपने घर है सबके, सही है। वहाँ किसी को रेंट नहीं देना, वहाँ दुकान का भाड़ा मालूम है 1 रुपए की तरह, 1,000 रुपए। अब तुम बताओ 1,000 रुपए देने के लिए आदमी कितने दिन दुकान खोला? और सुबह से लेके 6 बजे तक, 7 बजे तुमने जो छेड़ दिया तो तुम गए कम से कम इसका महीने का ये भरता होगा 3,000 रुपए कम से कम। खाली रेडी रेडी का जो रेडी को लेके खड़ा था ना उसका 3,000 रुपए महीना कम से कम बता दो। या तो ये कह लो देखो रेहान भाई, इसको दो तरीके से ले सकते हैं हम ना, कि हमारे यहाँ सुकून ज्यादा है और उस सुकून ने हमें वो बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, नाकारा नाकारा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक
कंफर्ट में घुस गया ना, कंफर्ट जोन में आ गया, वो बाहर भी नहीं आना चाह रहा अपने से ना, और उसे जरूरत भी नहीं महसूस हो रही, उसको पता है उसके सारे काम तो हो ही रहे। रफत भाई कैसा लगा तुम्हें रात घूम के? भाई देखो हकीकत में मैं एक बात बताऊंगा तुम्हें कि बॉम्बे के लोग बहुत मेहनती होते हैं, जो मैंने सड़कों पे लोग काम करते हुए देखे हैं ये लोग हमारे यहाँ नहीं है, और ये हमारे ही लोग हैं जो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। क्या बात है, ये हमारा होटल है। हाँ, हमारे ही लोग हैं ये जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये है, कोशिश करना अपने काम की इज्जत कर सको, क्योंकि यहाँ पे जैसे लोगों की कंडीशन है ना, बट फिर भी सब माशाल्लाह खुश हैं, जो टेम्पो चला रहे हैं बहुत सारे टेम्पो वाले हैं, हर चीज में यहाँ पे बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। ये हमारा होटल है नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हर जगह यहाँ पे कितना कॉम्पिटिशन, बहुत कॉम्पिटिशन है भाई। और लेकिन हम 3 बजे हैं और जूस पी गए हैं, और जूस पे इतनी भीड़ बहुत, 3 बज चुके हैं, और हकीकत बता रहा हूँ इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन में भी लोग काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे कुछ भी कॉम्पिटिशन नहीं है, और फिर भी लोग बाग काम करते डरते हैं। वेलकम टू वाबूम भाई। भाई वो मिठाई फ्रिज में रखो पहले, फ्रिज बताया गया मुझे, ये फ्रिज है। हाँ नमस्कार, क्या हाल है? फाइनली मजा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जहाज खड़े हैं यहाँ पे ना, मुंबई नाइट लाइफ। अपने यहाँ के लोगों को सिर्फ यही मैसेज है, क्योंकि मैं जब अपने घर पे व्लॉग बनाता था ना, तो मैं व्लॉग बनाता था यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वो हमारा देसी कल्चर है, जो खाना पीना रहना सहना बकरों के साथ सब कुछ, वो हमारा एक देसी कल्चर था। अब वो यहाँ के लोगों को पसंद आता था, बॉम्बे के लोगों को स्पेशली, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों के लिए वो नया नहीं था, हर कोई यही काम कर रहा है वहाँ पर, अपना कर रहा है, अपना खा रहा है देसी में। और ये कुछ मिठाइयाँ थी जो हमें हमारे अजीजों को देनी है, बट अनफॉर्चुनेटली आज हम लेट आए, हमारी फ्लाइट ही लेट थी, और उसके बाद फिर हम नहीं मिल पाए, बट अब जिसके घर जाएंगे कहते जैसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लो भैया तो अभी इसको फ्रिज में रख रहे हैं ताकि ये खराब ना हो जाए। तो मैं जो आपको बता रहा था कि अब ये जो व्लॉग्स हैं ये स्पेशली, देखो मुंबई के लोगों को इसमें कोई खास इंटरेस्ट शायद ना है, क्योंकि उनके मतलब की बातें यहाँ नहीं हो रही हैं, बात हो रही है ना, यहाँ बात हो रही है हमारे यहाँ के लोगों की, कि वो काम करके क्यों राजी नहीं है, राजी मतलब क्यों एग्री नहीं है, काम करके क्यों खुश नहीं है। हमारे यहाँ के लोगों को ये लगता है कि वो जितना कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो कभी यहाँ के देखो, मैं खुद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई ये देखकर कि यहाँ के लोग कितना कर रहे हैं। हेड्स ऑफ उन लोगों के लिए मुंबई के, जो लोग यहाँ पे ऐसी लाइफ में भी बकरे पालते हैं, सच में जिसको कहते हैं ना शौकीन। और फिर मुझे ये सुनने में भी आया कुछ लोगों से जो मैं कि ये जो यहाँ पे लोग शौक करते हैं, इन जैसे लोगों के साथ कुछ लोग फ्रॉड भी कर लेते हैं। कोई बंदा इतनी हिम्मत करके शौक कर रहा है कि इतनी बिजी लाइफ में, इतने बिजी शहर में वो बकरे पाल रहा है, और उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वो गलत है यार। और इज्जत करो हर जगह के बकरे के शौकीन की, बट मुंबई वाले लोगों की तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने बकरों को पालने के लिए। क्योंकि मैं यहाँ को घूम के देखा हूँ, हमारे यहाँ पे बकरे पालना बहुत आसान है, ये मैं बहुत 110% कह सकता हूँ यहाँ के बनिस्पत। तो होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, जो मुंबई की नाइट थी हम जो घूमे थे उसके बारे में। ऐसे ही इंशाल्लाह और भी व्लॉग्स आप लोगों के लिए आएंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए ना मत जाना, एंड मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।